खबर झुंझुनू से, जहां पर कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन से गरीब दिहाड़ी मजदूरों पर पड़े प्रभाव के चलते बड़ी संख्या में भामाशाह उनको के लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन इसमें विधायक भी कहीं पीछे नहीं है। वहीं उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह घोड़ा ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा जिला कलेक्टर यूडी खान को दी है और इसे जल्द ही स्वीकृत कर खाद्य सामग्री बंटवाने का निवेदन किया है। यह राशि अब तक की प्रदेश में सबसे बड़ी राशि मानी जा रही है, जो विधायक कोटे का लगभग 1 साल में मिलने वाले पैसों का आधा पैसा है। उसका पालन यदि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो लोगों को भूख से मरेंगे लोग, तो लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। तो हमारे लोग लॉकडाउन का पालन कर सके, इसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है कि लगभग 20,000 पैकेट लोगों को खाने के, जो गरीब लोग हैं, जो भी जरूरतमंद है, एससी एसटी ये नरेगा वाले नहीं, जो भी गरीब है, और उन सभी को जो भी जरूरतमंद है उनको वो खाना मिले। और ये हम व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में कोई भी आदमी, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम का कोई भी आदमी इस महामारी के अंदर खाने के लिए